शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है गिफ्टन गुड्स। समझते गिफ्टन गुड्स है क्या? गिफ्टन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स, ये वैसे इन्फीरियर गुड्स है हुज डिमांड इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन प्राइस। वे ऐसे घटिया क्वालिटी के सामान है जिनका प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, डिमांड भी बढ़ जाता है। ये तो ठीक लॉ ऑफ डिमांड के ठीक उल्टा है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गिफ्टन गुड्स का प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाता है। देखेंगे ऐसा कैसे होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ सच अ कमोडिटी राइजेस, जब ये गिफ्टन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, द पुअर पीपल में कट डाउन ऑन देयर परचेस ऑफ अदर, जो कि है मोर एक्सपेंसिव आइटम्स। तो जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो महंगे सामान है उस पर अपना खर्चा कम कर देते हैं, एंड इंक्रीज देयर परचेस ऑफ दिस कमोडिटी, और क्या ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ये गिफ्टन गुड्स। ठीक है, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और लिख लें कि हियर नेगेटिव इनकम इफेक्ट, हियर नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये लाइन समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। तो समझते हैं, यहाँ पर है मान लीजिए इनकम इफेक्ट, यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, अब इनकम इफेक्ट दो टाइप का होता है, फॉर नॉर्मल गुड्स और फॉर इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होता है, डिमांड भी बढ़ जाता है, और अगर इनकम घटेगा तो डिमांड भी घट जाता है। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। लेकिन इन्फीरियर गुड्स, जैसे कि घटिया क्वालिटी का सामान है, अगर किसी का इनकम बढ़ जाए तो वो घटिया क्वालिटी का सामान खरीदना बंद कर देगा, तो घटिया इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, घटने लगेगा, और अगर इनकम घटेगा तो क्या होगा, डिमांड उसका बढ़ने लगेगा। यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये समझ गए। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मान लीजिए कोई दो सामान है वीट, या फिर मान लीजिए ऐसा है पोटैटो और मीट। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई सामान का रिलेटिव प्राइस बढ़ जाए। रिलेटिव प्राइस बोलने का मतलब बाकी सब सामान के तुलना में अगर इसका कोई सामान का एक का कोई एक सामान का दाम अगर बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब सामानों के तुलना में ये थोड़ा महंगा हो जाएगा, और इसका डिमांड क्या हो जाएगा, तब कम जाएगा इसका डिमांड। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो गिफ्टन गुड्स का केस में क्या होता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट, माने ये वाला जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के मुकाबले। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल के सहारे। मान लीजिए एक पुअर हाउस होल्ड है, एक गरीब परिवार है, यहाँ पर एक पुअर हाउस होल्ड है और मान लीजिए उसका मंथली कंजम्पशन ऑफ फूड, टोटल ये सामान खाता है 15 केजी। ठीक है, और ये चूंकि गरीब है तो इसका
खाने में सबसे ज़्यादा पोर्शन, खाना में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होगा? इन्फीरियर गुड्स का होगा इसका केस में, ठीक है। मान लीजिए ये, तो मान लीजिए ये दो चीज़ खाता है, एक चीज़ खाता है ये पोटैटोज, एक चीज़ खाता है ये पोटैटोज और एक चीज़ खाता है ये मीट। मान लीजिए पोटैटोज एक केजी का दाम है 10 रुपया, 10 रुपीज़ पर केजी इसका प्राइस है, और मीट का प्राइस है मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और मान लीजिए ये 10 रुपये का रेट से 10 केजी ही खाता था, और ये मान लीजिए ज़्यादा दाम है तो मान लीजिए ये 5 केजी खाता था, तो यहाँ पर ये कितना खर्चा करता था? 100 रुपीज़ खर्चा करता था, और यहाँ पर ये कितना खर्चा कर रहा है? 55 रुपीज़। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर वो होगा, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 100 प्लस 250, आ रहा है 350। मान लीजिए जैसे पहला केस था, अब मान लीजिए पोटैटोस का दाम बढ़ के, मान लीजिए फिर से न्यू केस हो रहा है, ये फिर से पोटैटोस और मीट है, मान लीजिए पोटैटोस का दाम बढ़ के 10 से 20 रुपये पर केजी हो गया और मीट का दाम उतना ही है, बात क्लियर है, पर केजी। तो अगर ये, अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, अगर ये पहले जैसा ही अगर 10 केजी खाता रहे तब उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 200। और यहाँ पे ये पहले जैसा ही 5 केजी खाता रहे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा होगा? 250। तो इस दो केस में टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना आ रहा है? 450। लेकिन उसका इनकम तो फिक्स्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 350 ही खर्चा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो खर्चा 450 आ रहा है, इसका मतलब कोई आइटम उसको कम करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो करता है कि पोटैटोस को वो इस तरीके से ख़रीदता है, मान लीजिए इसका क्वांटिटी वो बढ़ा देता है 15 केजी अब खरीदने लगा, और मीट का क्वांटिटी वो कम कर देगा, मान लीजिए ये पहले 5 केजी खरीद रहा था अब वो सिर्फ 1 केजी खरीदेगा, ठीक है। तो अब इस टाइप से नया उसका न्यू एक्सपेंडिचर क्या आएगा पोटैटोस के ऊपर, उसका 15 × 300 रुपीज़ आएगा यहाँ पर न्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे न्यू एक्सपेंडिचर क्या आएगा? 51 × 50। सो अगर इन दोनों को मिला दें हम, इन दोनों को अगर मिला दें तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आ रहा होगा मेरा? टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा 300 प्लस 50, 350। इसका मतलब वो उसका इनकम के अंदर है, उसका बजट में है, ये अब खरीद पाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले पोटैटोस का दाम 10 रुपया था, अब पोटैटोस का दाम कितना हो गया? 20 रुपया। तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार इसका डिमांड क्या होना चाहिए? कम जाना चाहिए, लेकिन वो पहले 10 केजी खरीद रहा था, अब वो कितना खरीद रहा है? 15 केजी। प्राइस द्वारा डिमांड भी बढ़ गया, लेकिन जो मोर एक्सपेंसिव आइटम है उसका क्या हो गया? उसका क्वांटिटी डिक्रीज हो गया। तो ये केस है गिफ एंड गुड्स। तो यहाँ पर एक पोटैटोस कैसा काम कर रहा है? एक गिफ एंड गुड्स जैसा काम कर रहा है, जिसका प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा केस आम जिंदगी में देखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है, ऐसा देखा भी गया है, जैसे कि आयरलैंड में एक बार ऐसा हुआ था ये केस, तो ठीक है। तो ये एक गिफ एंड गुड्स का केस है, ये एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, बात क्लियर है? तो इतना करने देते हैं।